डॉक्टर तारा सीता आर्या साहबा, किशनगंज से तशरीफ फरमा एम आई एम बिहार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब भाई इश्तियाक साहब, हाथी जनाब महबूब साहब, पूर्णिया जिला के एम आई एम के सदर जनाब भाई शहनवाज साहब, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के सदर भाई मुकदम साहब, आपके इस प्रखंड के सदर जनाब भाई मुश्ताक मुंडा साहब, हमारे अजीज रफीक एम आई एम के जनाब साहब लीडर भाई अब्दुल राजिक साहब, हरमुल बाबू, माफुल भाई, सालम भाई, नदीम भाई, इस अमोर में हमारे एम आई एम के मजबूत साथी और एम आई एम में बड़े निष्ठा के साथ समर्पण के साथ काम करने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति जनाबे भाई मुखिया रामराज सिंह जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे अजीज दोस्त जनाबे भाई अफरोज साहब, आपके इलाके के मशहूर डॉक्टर जो बेंगलोर में है और इस वक्त आपके यहाँ तशरीफ फरमा है जनाबे भाई अबू सायम साहब, यहाँ पर मौजूद साबिक एमएलए महबूब के फर्जन जनाबे भाई दानिश साहब, छोटी बहन अजीजा नुजहत और ये तमाम बेटियों, यहाँ पर मौजूद जनाबे भाई साकिर साहब, जनाबे भाई मनोहर साहब, जनाबे भाई मुजफ्फर साहब, जनाबे मौलाना इमरान साहब, अजीजी भीम सहलाबाद और मेरे एम आई एम के सभी सहदाइयों, कुर्ब जवान से आए हुए सभी हिंदू मुस्लिम साथियों, किसान मजदूर भाइयों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वतन अजीज के इस काले कानून के खिलाफ आपने अपने घर खेती दुकानदारी को छोड़कर आज इस जलसे इतिहास को कामयाब किया है। साथ ही मैं अपने उन तमाम प्रवक्ता को मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने इस जलसे को कामयाब कराने की मुशक्कत मेहनत और कोशिश की है। मुख्तलिफ पंचायतों के मुखिया जी, सरपंच साहबान और मेम्बर साहबान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने झंडा की परवाह किए बगैर वतन अजीज के इस खतरे को भाप कर इस जुलूस में, इस मजलिस में शामिल हुए। मेरे भाइयों, इस वक्त ये मसला ऐसा लगता है कि हमारे कुछ बूढ़े जो 100 साल की उम्र के हैं उनसे पूछ लिए जाकर कि पूरे हिंदुस्तान में गली गली, सड़क सड़क, बस्ती बस्ती, बाजार हो या दफ्तर हो, ब्लॉक हो या जिला हो, सुबह हो या दिल्ली की सड़क साफ हो, आज एक शोला भड़क रहा है, इनकलाब का सोना भड़क रहा है, गुस्से की चिंगारी दिख रही है। ये चिंगारी 70-75 सालों में कभी नहीं देखी गई थी। अगर देखी गई थी तो उन नालायक अंग्रेजों को भगाने के लिए आजादी के जमाने में देखी गई थी, 1947 से पहले देखी गई थी। ऐसा सोना कभी नहीं भड़का। लगता है ये सोना इसलिए भड़का है कि मेरे बाप दादा ने अपने गर्दनों को कटवाकर उन गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आज पूरा हिंदुस्तान का दलित हो, अकलीत हो, पिछड़ा हो, इस गांव हस्से का इजहार इसलिए भी कर रहा है कि देशी अंग्रेजों को भी कर हार के तो गद्दी से उतारना हमारे लिए जरूरी हो गया है। मेरे भाइयों, इस वक्त यही नहीं बल्कि आपको याद होगा, हमारे 18-20-25 साल के नौजवानों को शायद याद न हो, वो उस वक्त माँ के गोद में था, अंगन में चल रहा था, गिर रहा था, लेकिन हमारे वो नौजवान जिनकी उम्र 30-40 साल की है और हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि 2002 में गुजरात में माओ बहनों की इज्जत और आबरू लूटी, इंसानियत का जनाजा निकला, दरिंदगी जिसको देखकर शर्मा गई। उस वक्त उस रियासत का, उस सूबे का अगर कोई मुख्यमंत्री था तो उसका नाम नरेंद्र मोदी था और मोदी का दोस्त ये अमित शाह के साथ था। इन तमाम तरिंदगी से जो हिंदुस्तान की बेटियों की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की इज्जत टूटी थी, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत का जनाजा निकला था, और लेकिन मोदी को कैसे शर्म नहीं आई थी, बल्कि मोदी ने कहा था कि 2002 के गुजरात के इस चलाने वाले वाक्य पर हमें फख्र है और हम फखरिया जुलूस निकालेंगे, गौरव यात्रा निकालेंगे। और इस अमित शाह को भी शर्म नहीं आई, इनके आंखों में कोई पानी नहीं आया और मजबूरन देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा कि हे नरेंद्र मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। अफसोस कि वो मनहूस चेहरा जिसने गुजरात में राजधर्म का पालन नहीं किया, बदकिस्मती से मजहबी जुलूम की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान की गद्दी पर साया फलन हो गया है।
और जब से ये मनोज साया हिंदुस्तान में आया है, हिंदुस्तान की तरक्की रुक गई है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत कम होती जा रही है। खेतों की फसल कम हो गई है, कारखानों की पैदावार कम हो गई है, मजदूर की मजदूरी घट गई है। ये मनोज साया जब तक हिंदुस्तान से निकाला नहीं जाएगा, तब तक हिंदुस्तान क्या नहीं हुआ। क्या दिखाए थे खाद इसने? खाद इसने ये दिखाए थे कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर साल करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, सबका साथ सबका विकास होगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? लेकिन क्या नौकरियां मिली? नौकरियां नहीं मिली, बल्कि हुआ ये कि नोटबंदी करके GST लगाकर जो नौकरी दी थी आपके बेटों की, वो नौकरी भी इसने छीन ली। और वो नौकरी छीन कैसी? जो लाख रुपए बेटा आपका कमा रहा था वो 1000 रह गया, जिसका कारखाना चल रहा था वो बेटा दूसरे के आज मजदूर बनने पर मजबूर हो गया। आपके बेटे की रोजी रोजगारी, जिस बेटे की कमाई पर आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, बाप के ऑपरेशन की उम्मीद की थी, पिता के जमीन को खरीदने की तमन्ना थी, एक घर बनाने की आरजू थी, आपके तमाम खातों को इस मनहूस मोदी ने चकना चूर कर लिया मेरे भाइयों। और नतीजा ये हुआ कि आज मुल्क की तरक्की की सड़क घट गई है और फिर से ये मुल्क नया गुलाम हो रहा है। आज हिंदुस्तान में हमारे दर्जी है, कसीदा करने वाले है, फैक्ट्री में काम करने वाले है, लेकिन अब देश का सामान नहीं बिक रहा है, बल्कि इन्होंने विदेश से जाकर सौदा कर लिया है। आज जापान का और चाइना का जितना सामान आपके बाजार में बिक रहा है, आपके घर का सामान नहीं बिक रहा है। आपका पैसा अमीरों के जेब में जा रहा है, अमीरों की जेब में जा रहा है। ईमानदारी से बोलिए, मजदूरी घटी की नहीं, फसलों की कीमत घटी की नहीं, चीजें महंगी हुई की नहीं, बैंक में ज्यादा टैक्स लगने लगा की नहीं, जमीन का खजाना बढ़ा की नहीं, जमीन की रजिस्ट्री की फीस बढ़ी की नहीं, डॉक्टरों का इलाज महंगा हुआ की नहीं, बच्चों की तालीम महंगी हुई की नहीं, ये सारी चीजें महंगी हुई। आप तो फकीर बनते जा रहे हैं, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री के दोस्त अमित शाह का बेटा जब कारोबार शुरू करता है तो 1 रुपया में 16 रुपया नहीं, 1 रुपया में 1600 नहीं, बल्कि 1 रुपया में 16000 रुपये का नफा उसको एक साल में होता है। क्या हो गया आपका? लूटे जा रहे हैं आपके पैसे, फकीरों के भिकमंगों के थाल के मांग के पैसों को लूट रहा है ये लुटेरा। ये गुजरात का दोनों ठग आकर पूरे देश को आज लूट रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश को उठना पड़ेगा। और क्या हुआ लोगों, जब ये पदवी बैठा तो इस तरह से उसने लबज टटोल लिया कि पैसा उसी का। जब नोटबंदी कर दिया तो आप लाइन पर खड़े होकर जैसा अपना पैसा बेटे की कमाई को पत्थर तोड़कर तो रिक्शा चलाकर ठेला चलाकर आपका बेटा वहां से भेजा है कि वहां का ऑपरेशन होगा, बहन की शादी होगी, लेकिन आपको लाइन पर ऐसा खड़ा कर दिया जैसे आपका पैसा नहीं हुआ, आप भीख मांग रहे हो। ये लाइन पर खड़ा किया कि नहीं किया आपको? मेरे भाई मैं पूछता हूं कि हमारे बहुत सारे भारत भाई भाई है, मेरे पत्रकार बंधु है, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि सच्चाई को लिखे कि जब नोटबंदी हुआ तो सबको लाइन पर लगना पड़ा था कि भाजपा ये सबको छूट गया था, भाजपा भी लगना पड़ा था ना। बोले भाजपा ये सुन लो, जो NRC आ रहा है, NPR आ रहा है, CAA आ रहा है, नागरिकता के लिए तुमको भी तुम्हारे बाप को भी लाइन पर लगा के छोड़ेगा मोदी। इसलिए हिंदुस्तानी मत रहो कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मामला है। और देखो मेरे भाई, जब ये कुछ नहीं कर सका इन पिछले 5 सालों में, जब कुछ नहीं कर सका तो फिर मजहबी जुनून फैलाया और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इतने 5 साल की खराब गाड़ी को 5 साल में ठीक होगा, हम इसको थोड़ा वक्त दो। फिर मजहबी जुनून की बुनियाद पर और सेकुलर ताकतों की दिखाव पर यह मनोज चेहरा दोबारा देश में आ गया। देश में आया शुरू करता कि नौजवानों को काम मिले, बीमारों को दवा मिले, बच्चों को तालीम मिले। सबसे पहले किसी बिल की पेशी पार्लियामेंट को हुई तो तलाक बिल थी। क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला तलाक है? हिंदुस्तान का सबसे अगर कोई बड़ा मसला है तो मोदी को अपनी बीवी को घर लाने का मसला था, लेकिन वो मसला नहीं था। हमारी बेटियों की तलाक भी होती, शादियां भी हो, देखो कितनी बेटियां हमारी हो, लेकिन हमने तो, अरे हमने तो पैदा किया इस मुल्क में कि बेवा बेटी को चलाओ मत, जो बेटी की शादी होगी बाप के तरके में हिस्सा होगा। हमी से नजमे गुलिस्ता, हमी से रंगे बहार, हमी को नजमे गुलिस्ता पे अख्तियार नहीं, हमी को सबक सिखाया है मोदी। नतीजा ये हुआ कि फिर बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया, चलिए
हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया, हमारे लोग सड़क पर नहीं उतरे, तो मोदी को एहसास हुआ कि ये मोहम्मदी उम्मत चलाक शरीफ पर हमला हुआ खड़ी नहीं, बाबरी मस्जिद पर जान देने वाली उम्मत खड़ी नहीं, अब तो इसको गुलाम बनाने का वक्त आ गया है, अब इसके नागरिकता पर हमला करो। और वो सबसे बड़ा काला कानून कैप को पार्लियामेंट में बनाया, लोकसभा में लाया। अब आप कहेंगे नागरिकता क्या है, ये नागरिकता दरअसल इस मुल्क के बाशिंदा होने और हकदार होने का हक का नाम है नागरिकता। अगर आप नागरिक हैं तो हिंदुस्तान की जमीन पर आपका हक है, हिंदुस्तान के आसमान पर आपका हक है, हिंदुस्तान के स्कूल में आपका हक है, हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में आपका हक है, हिंदुस्तान के रेल में आप सफर कर सकते हैं, हिंदुस्तान के हवाई जहाज पर आप सफर कर सकते हैं। और अगर ये नागरिकता आपके पास नहीं रही तो आप सफर रेल का नहीं कर सकते हैं, सफर जेल का आपको करना पड़ेगा। यह कानून बना दिया था 1950 में हिंदुस्तान में जो दस्तूर नाफिज हुआ 26 जनवरी में, उसमें कहा गया कि इस देश में आज के दिन तक जो लोग भी पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है। लेकिन उसके बाद लोगों का आना जाना कहीं से शुरू हुआ तो 1955 में पहली बार हिंदुस्तान में नागरिकता एक्ट बना, और उसके बाद फिर 87 में, फिर 2004 में कई कई बार संशोधन हुए उसके। लेकिन अगली बार जो 2019 का जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला है। पिछले जो संशोधन हुए थे वो संशोधन आईन के मुताबिक थे, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक। लोगों आजादी किसको कहते हैं, अंग्रेजों के बदन से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि अंग्रेज का डॉक्टर भी अच्छा था, अंग्रेज का ऑफिसर भी अच्छा था, अंग्रेज लूट के हमारा पैसा लेके जा रहा था, अंग्रेज के जमाने में जो सड़क बनी है आजाद हिंदुस्तान के भारतीय ने जो सड़क बनाई उस सड़क से ज्यादा मजबूत अंग्रेजों की बनाई हुई सड़क थी। लेकिन अंग्रेजों को क्या था कि अंग्रेज मेरा कानून नहीं बल्कि अपना कानून चलाता था, मेरी जमीन को इंग्लैंड उठा के ले गया था, मेरी जमीन यही थी, मेरा भारत यही था, गुलाम इसलिए थे कि निजाम उसके हाथ में था, सल्तनत उसके हाथ में था, जमीन पर उसका कब्जा नहीं था बल्कि हमारे संविधान पर उसका कब्जा था। अगर हमारे पूर्वजों ने आजादी ली थी तो गुलाम को, और आज जो ये फील हुआ है तो हिंदुस्तान में जो भी कानून बनने का जो माखज है उसका असर ये है कि संविधान के अनुरूप ही कानून बनाया जा रहा है। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इस देश में सब लोग समान होंगे, औरत और मर्द का वोट समान होगा, गरीब और अमीर का वोट की कीमत बराबर होगी, समानता होगी इंसानों की, कोई जात पात की नफरत नहीं होगी। 14 में डिफाइन किया गया, क्योंकि यूथ की आजादी की लड़ाई तो लड़ी जा रही थी, खाते पीते लोग लड़ाई में नहीं आए थे। आज भी जो लोग बड़े लोग हैं कभी भी हंगामे में आगे नहीं होते, चिंगारी किसमें होती है, जाने के सब रातों में कौन सी लकड़ी होती है, जो लकड़ी सूखी होती है वही चलती है, सूखी लकड़ी में सोना होता है, भीगी हुई लकड़ी और कच्चे लकड़ी में सोना नहीं होता है। इनकलाब चल भी आया है, गरीब लोगों का है। गांधी जी ने जब कहा अमीर लोगों के चलो लड़ेंगे अंग्रेज के खिलाफ, कहा कि गांधी क्या बात करते हो, अमीर को स्कूल में मेरे बच्चे